हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, फुल कॉन्सेप्ट एंट्री में आज बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन लेके आया हूं। वो क्वेश्चन है परसेंटेज से। फ्रेंड्स, इलेक्शन से संबंधित आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ आपको शुरू से अंत तक बने रहना है। आज कुछ ही टाइम में आपको सिखाने वाला हूँ कि इस टाइप क्वेश्चन पेपर में आएगा तो कैसे करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन SSC CGL 2022 में आया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है, एक चुनाव 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जिसमें कह रहा जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों के 48% मत मिले और वह 1100 मतों से चुनाव जीत गया। कह रहा चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, यह देखते हुए कि डाले गए सभी मत क्या थे, वैध थे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमेशा देखिए परसेंटेज केस में 100% मानते हैं। तो हमने मान लिया कि कुल वैध मत कितने हैं, 100% है। फिर कह रहा है कि इसमें 8% लोगों ने मत नहीं डाले। अगर फ्रेंड्स देखिए 8% लोगों ने क्या कह रहा है कि मत नहीं डाले, तो इसका मतलब मत डाले कितने हैं, 92% ये पड़े मत हो गए। 92% क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, ये अगर 8% लोगों ने नहीं डाला है तो इसका मतलब 92% लोगों ने मत डाला है, पड़े मत हो गए। अब कह रहा है फ्रेंड्स, उम्मीदवार को जीतने वाले को कुल उम्मीदवार जो जीतने वाला है उसको कुल मतों का 48, कुल मत कितने हैं फ्रेंड्स, 100%। तो 100% का 48 मिला है जीतने वाले को, इस बात का ध्यान देना। तो 48% कौन पाया है, जीतने वाला। अगर कुल जो है फ्रेंड्स 92% अगर वोट पड़े हैं, जीतने वाला 48 पाया, तो हारने वाला कितना पाएगा, 92 - 48 यानी 12 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा, 4, यानी 44% हारने वाला पाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। और एक बात का हमेशा ध्यान देना, आप लोग देखते होंगे कि फ्रेंड्स जो जीत हार का अंतर होता है इन्हीं दोनों के बीच में होता है। जैसा कि आप लोग गांव में भी देखते होंगे या ग्राम प्रधानी का जब चुनाव होता होगा, ठीक है, तो यानी जो जीतता होगा जो हारता होगा उन्हीं के बीच का गैप ही क्या है, अंतर होता है, जीत हार का अंतर। तो 48 और 44 के बीच का डिफरेंस लेंगे कितना जाएगा फ्रेंड्स, 4%, यानी चुनाव कितने वोटों से जो है जीत गया है, 4% से, 4% मेरा आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया गया है फ्रेंड्स, 1100, कितना दिया गया है, 1100 दिया है। तो 100% की वैल्यू चाहिए, कह रहा है डाले गए सभी मतों की संख्या, तो 100% की वैल्यू चाहिए। तो एक तरीका है कि फ्रेंड्स आप 1% की वैल्यू निकाल लीजिए फिर 100% की, या तो दोनों तरफ 25 से गुणा कर दीजिए 100 बनाने के लिए। तो मैं दोनों तरफ 25 से गुणा कर दे रहा हूँ, कैलकुलेशन का तरीका ये भी है। तो यानी 100% की वैल्यू मुझे चाहिए तो निकालना पड़ेगा। तो 25 से गुणा करेंगे, 25 से कन्नम 25, 25 की 5 इतना आ गया 2, 25 से कन्नम 25 2 27 और 2 जीरो बच रहा है, यानी 27,500, 27,500 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है, आई होप की बातें समझ गए होंगे कि अब इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो कैसे पेपर में करना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है फ्रेंड्स, और ये भी क्वेश्चन कब आया है, SSC CGL 2022 में, यानी जितने रिसेंटली एग्जाम में आए हैं क्वेश्चन वही सिलेक्ट किए गए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है कि राजू रवि और अशोक में चुनावी मुकाबला हुआ, डाले गए 5% मत अवैध मिले, जो है क्या मिले फ्रेंड्स, जो है यहाँ से ये अवैध मिले। उसके बाद कह रहा है राजू को कुल 30% मिला, रवि को कुल मतों के 32% मत मिले, विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्तियों से कह रहा है कि 5136 मत अधिक प्राप्त हुए। तो कह रहा है डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, ये आपसे कह रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमेशा 100, हमने कहा कि वोट को हमेशा कितना माना करिए, 100%, यही है। कह रहा राजू है, रवि है और अशोक है। अब देखिए तीन पर्सन है फ्रेंड्स, एक तो कौन है, राजू है, दूसरा कौन है, रवि है, और तीसरा फ्रेंड्स कौन है, यहाँ पे अशोक है। राजू, रवि और कौन है, अशोक है। अब देखिए आपसे क्या कह रहा है कि इसमें 5% मत अवैध हो गए। अगर 5% मत अवैध हो गए तो इसका मतलब लीगल कितने होंगे, 95% होंगे कि नहीं, 100 में से 5 घटा देंगे कितना हो जाएंगे, 95% लीगल होंगे। राजू को कह रहा है कुल 30% मिला, तो इनको कितना मिला है कुल फ्रेंड्स, 30% वोट राजू को मिला है। तो उसके बाद क्या कह रहा है, रवि को कुल मतों के 32% मिले, तो कुल मतों के यानी 100% इनको कितने मिले, 32%।
तब अशोक को कितने मिले होंगे? तो देखिए फ्रेंड्स 95% वोट वैध यानी यही इतने वोट पड़े हैं। अगर राजू को 30 मिला है, रवि को 32% मिला है, तो टोटल कितने हो गए यहाँ से यहाँ तक? 62% हो गया। तो 95 से 62 घटा देंगे तो 5 में से 2 गया 3 यानी कितना जाएगा? 33%। कितना जाएगा? 33%। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है विजेता को सबसे कम प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 5136 मत अधिक प्राप्त हुए। विजेता कौन हुआ फ्रेंड्स? 33% ऑफकोर्स यानी अशोक। तो अब देखिए इनको कितना मिला है यहाँ पे? 3% ज्यादा मिला है। कितना मिला है? 3% ज्यादा मिला है, क्योंकि 3% वोटों से जीतने वाला और सबसे कम कौन पाया है? राजू। तो 3% से जीते हैं, 3% की वैल्यू कितना दिया गया है फ्रेंड्स? 5136। डाले गए मतों की कुल संख्या यानी 100% की वैल्यू चाहिए, तो 3 से भाग कर देंगे। 3 से करेंगे कितनी बार जाएगा? 3 एकन्नम 3, 3 सत 21, 3 एकन्नम 3 2 6। 1% की वैल्यू कितना आ गई? 17 12। मुझे 100% की वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ 2 2 0 लगा दीजिए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 1,71,200। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। चलिए ये क्वेश्चन ये भी करिए फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन जो है SSC CGL 2022 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इस बात का ध्यान देना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पराजित उम्मीदवार ने पड़े हुए वैध मतों का 42% हासिल किया और वह कह रहा है 7,68,400 मतों से चुनाव हार गया। यदि 82,560 मतों को अमान्य घोषित कर दिया गया था और 20% लोगों ने अपना मत नहीं डाला था, तो कह रहा है अमान्य मत लोगों द्वारा नहीं डाले गए मतों के कितने प्रतिशत यानी दशमलव के बाद एक अंक थे, यानी अमान्य मत कह रहा है कितने परसेंट थे? इस बात का ध्यान देना जिन्होंने मत नहीं डाले यानी 20% का, इस बात का ध्यान देना। तो फ्रेंड्स आपको यहां से निकालना पड़ेगा। अब देखिए फ्रेंड्स कैसे करेंगे, हमने मान लिया कि 100% टोटल वोट है, स्टार्टिंग में हमने मान लिया कि 100% टोटल वोट है। 42% लोगों ने कह रहा है कि फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि पराजित जो हारा है लूजर को 42% मिला है, तो विनर को कितना मिलेगा? 100 माइनस 42 यानी 58%, इसका मतलब जीतने वाला पाया है। क्लियर है? अब देखिए इन्हीं दोनों के बीच का गैप ही तो है जीत और हार का अंतर, इस बात का ध्यान देना। कह रहा 7,68,400 मतों से चुनाव हार गया, तो इसका मतलब हारा कितने से? 8 में से 2 घटा देंगे 6 और 5 में से 4 गया 1 यानी 16%। 16% से हारा है यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है? 7,68,400 यही है। तो 1% की वैल्यू निकाल देंगे फ्रेंड्स यहां से, 1% की वैल्यू कितना जाएगा? 1% की वैल्यू निकालेंगे 16 से भाग करिए, 16 से जैसे ही भाग करते हैं तो यहां पे कितना आ जाएगा? देखिए फ्रेंड्स 16 चौके 64 यही हो जाएगा, 16 चौके 64 यानी 76 से 64 घटा देंगे, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 6 गया 1, 8। उसके बाद कितनी बार जाएगा? 16 8 128 आ जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स फिर 1 0 बढ़ाएंगे, फिर कितना हो जाएगा? 40। फिर 16 2 कितना जाएगा फ्रेंड्स? 16 2 32 यही हो जाएगा, 16 2 32 यानी 10 में से 2 गया 8, फिर 0, 16 5 80। 1% की वैल्यू कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 48025। अब मुझे 100% की वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ 100%, दोनों तरफ 2 2 0 लगा देंगे, तो कुल वोट इतने हो गए। अब कह रहा है इतने मत अभी अमान्य भी हुए हैं, तो इसको भी जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, तो इसको जोड़ देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा? 82560। कुल वोट कितने आ गए फ्रेंड्स यहाँ से? 0 6 5 5 10 की 0, 1 2 2 4 1 5 8 यानी कितना आ गया? 4 8 5 0 6 0 ये टोटल वोट आ गए। एक बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, 20% लोगों ने मत नहीं डाले हैं, ये तो मैंने स्टार्टिंग में मान लिया था। अगर 20% लोगों ने मत नहीं डाला है तो इस बात की गहराई को समझना पड़ेगा कि यानी इसका मतलब कि 80% लोगों ने मत डाला है और ये 80% की वैल्यू है, इस बात का ध्यान देना। ये किसकी वैल्यू है? 80% की वैल्यू है। तो अगर डायरेक्ट में 20% का निकाल लूं तो भी परसेंट निकाल सकता हूं, तो 20% का एक तरीका है कि 1% का निकाल के 20 से गुणा कर दीजिए, लेकिन मैं कहता हूं कुछ मत करिए, दोनों तरफ 4 से फ्रेंड्स भाग लगा दीजिए, ताकि आपको 20% की वैल्यू यहां से डायरेक्ट मिल जाएगी। तो 20% की वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 1 4 4 2 8 4 2 8, फिर 4 1 4
पांच में भाग से भाग करेंगे 10 हो जाएगा, फिर 4 2 8, 4 6 24, 4 5 20, यानी 20% की जो वैल्यू आ गई कितना आ गई, 1221265। अब कह रहा है जो अमान्य मत है, जो नहीं डाले गए हैं मत, उसका कितना परसेंट है ये आपको बताना है। तो इसका मतलब 82560 बटे आपका कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 1221265 और इंटू 100, यही है। अब देखिए फ्रेंड्स ये लगभग कितनी बार जाएगा, देखिए फ्रेंड्स ये लगभग 6 बार जाएगा, इस बात का ध्यान देना। यहां से आप गेस कर सकते हैं, इसी को हल करेंगे तो आपका लगभग 6.8% आएगा। कितना जाएगा फ्रेंड्स, 6.8% आएगा, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप सभी लोग बातें समझ गए हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जबरदस्त तरीके से आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।